खबर शिवगढ़ रायबरेली से, जहां ब्लॉक प्रांगण में गुरुवार को कृषि तंत्र सुंदरीकरण एवं कृषक जागरूकता अंतर्गत विकासखंड स्तरीय कृषि निवेश मेले में ब्लॉक प्रमुख कुंवर हनुमंत प्रताप सिंह का फूलमालाओं से जमकर स्वागत हुआ। गौरतलब है कि किसान मेले में 20 कीटनाशक दवाओं के काउंटर पर जाकर ब्लॉक प्रमुख कुंवर हनुमंत प्रताप सिंह ने उन्नत बीजों और कीटनाशक दवाओं का उचित प्रयोग, मात्रा, सावधानियां और रखरखाव के विषय में चर्चा किया। शिवगढ़ विकास क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने पहुंचकर रबी फसल के उन्नत बीजों, कीटनाशक आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त मेले में कई किसानों ने, जिनका किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्होंने भी जानकारी प्राप्त की। जिन किसानों की भूमि का सत्यापन न हो पाने का कारण पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनके फार्म आदि आवश्यक प्रपत्र जमा कर शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया गया। इस मौके पर प्रधान संघ अध्यक्ष पवन सिंह, एडीयू पंचायत जितेंद्र बहादुर सिंह, बीज भंडार प्रभारी शिव शंकर वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, सुनील कुमार आदि तथा क्षेत्र के सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। आप सब किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। आप लोग ने सुबह कृषि विभाग से आए हुए सभी अधिकारियों से सुना होगा, उन लोगों ने आपको जागरूक किया होगा कायदे से कैसे कम लागत में ज्यादा से ज्यादा हम लोग फसल पैदा कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनिक नेचुरल कीटनाशक कैसे ये सब डाल के हम लोग अपनी फसल को और पौष्टिक बना सकते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग फर्टिलाइजर और केमिकल ज्यादा डाल देते हैं, उससे आगे चल के नुकसान हम लोग सबको होता है, हम लोग की आने वाली पुस्तों को भी होता है, कई बीमारियां इसीलिए हम लोग सबको घेर रही है। अगर हम लोग सरकार द्वारा जो बताए गए हैं कीटनाशक, बैक्टीरिया, फंगिसाइड, नेचुरल वाले अगर उसका इस्तेमाल करेंगे, हम लोग को तो फायदा होगा, हम लोग की तो फसल अच्छी होगी, साथ में हम लोग का भविष्य, हम लोग के बच्चे, उन लोग की भी सेहत अच्छी रहेगी, आप ही के बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे। इसलिए इसमें कटाई ना करिएगा, जितने से ज़्यादा हो सकता है नेचुरल ऑर्गेनिक खेती करिए। धन्यवाद।